अभी चीकू के नहा के लाए फ्रेंड्स, जस्ट नहा के आया है, तभी इसको कपड़ा पहना लेते हैं, फिर धुनरिया करेंगे। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, नहीं करेंगे। कौन धुनता है तुमको? दोनों मिलके मारते तो मैक्स बजाता है। दोनों मिलके कब मारे बेटा? ऐसा तो बोलता है, एक बार मार चुके हैं। कब मारे हैं पहले? छी हाँ। नहीं हाँ। अब थोड़ा पाउडर लगाना, ठंडा खत्म होने वाला है ना। दोस्तों अभी मैं ना हमेशा मैं गीजर से नहाता था, लेकिन अब मैं आज मैं झरना से ठंडे ठंडे पानी से नहाया हूं। यूट्यूबर का अभी हो चुका है लेडी बेडी। दोस्तों आज मम्मा मैं शाम में मेरी ये पास्ता बनाने वाली है, आप लोग मम्मी को बोलिएगा, जो भी बोल सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं पिछला वीडियो में आप सबके साथ शेयर की थी अपना घर का, कि मैं ये घर ले चुकी हूँ, न्यू घर में शिफ्ट होने वाली हूँ, और पूरा घर भी मैं आपके साथ शेयर की थी। मैं दिखाई थी आपको कि देखिए मेरा घर कैसा है, तो आप सबने बहुत अच्छा से मुझे बधाई भी दिया था। तो बस ये शिफ्टिंग चल रहा है, और आज पूरा सामान यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं पूरे घर का अच्छा से क्लीन, पहले तो क्लीन किया हुआ था, करवाया गया था, जो साफ़ सफाई करते हैं वो लोग आकर के अच्छा से साफ़ सफाई कर दिए थे। लेकिन मैं क्या है ना फ्रेंड्स, कि मैं खुद से थोड़ा अच्छा से करती हूँ डीप क्लीनिंग। मेरा आदत है कि कितना भी कोई साफ़ सफाई कर देना, तो घर का सफाई खुद से करके उसके बाद ही मैं सामान शिफ्ट करती हूँ। तो बस अच्छा से सब साफ़ सफाई था, फिर भी जितने भी ड्रॉवर वगैरह हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो वो सब मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। और चीकू देखिए मदद कर रहा है, चीकू ही शूट किया है वीडियो, क्योंकि हेलो गाइस, अब कैसे हैं, वेलकम बैक टू माय गिवली वीडियो। तो गाइस, हम लोग को घर में शिफ्ट करने से 20 दिन बाद तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे चीकू जो है सो शूट कर रहा है, और मैं बोली बेटा अभी तो सामान शिफ्ट करना है, तो ट्राईपोड वगैरह लगाने का टाइम नहीं है, कौन सा सामान कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं होता है, सब सामान पैक हो करके बस गाड़ी में आ रहा है। हस्बैंड और मेरी दीदी लोग आई है, बहुत लोग, सब लोग आए हैं, फैमिली के लोग और माँ भी हैं, सब लोग हैं। तो मैं तब तक वो लोग सामान लेकर के ऊपर लिफ्ट से आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे और अच्छा से क्लीन कर लेती हूँ किचन के ड्रावर वगैरह को खोल खोल के, ताकि बिल्कुल भी नीट और क्लीन हो जाए, थोड़ा भी गंदगी ना हो। देखिए साफ़ सफाई किया हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत ड्रावर वगैरह से गंदा निकल रहा है। तो बस क्योंकि आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि उतना अच्छा से मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ ना, क्योंकि सामान शिफ्टिंग, घर शिफ्टिंग मतलब कितना बड़ा लोड होता है, क्या हालत हो जाता है, कोई भी सामान कहाँ हो जाता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है। और मेरा तो मैं आप सबको पहले भी बताई हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं घर में नहीं रहती हूँ, और मैं इस बार छुट्टी भी नहीं ली हूँ शिफ्टिंग में। मैं स्कूल से आने के बाद यहाँ पर मेरे यहाँ सारा सामान आ रहा था, वो तो उससे पहले मेरी दीदी लोग घर में थी और माँ, मेरे हस्बैंड सब लोग थे, लेकिन मैं छुट्टी नहीं ली थी। मैं बोली कि अभी मतलब कि अभी जो साल का लास्ट है ना, सेशन ख़त्म हो रहा है, तो बहुत सारा काम वगैरह होते रहता है, तो मैं छुट्टी नहीं ली थी। तो बस मैं स्कूल से आने के बाद ड्रेस चेंज करके और यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आई हूँ, अपना ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ, और मैं मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, तो आप सब प्लीज़ मेरे वीडियो को देखा कीजिए, फुल वॉच कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से ब्लॉग बनाते हैं आप लोग के लिए, और आप लोग कैसे हैं बताइएगा। तो इतना ज़्यादा थकान हो गया है कि मैं क्या बताऊँ आप सबको फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सुबह सुबह स्कूल चली गई थी, फिर आई 2 बजे 3:30 बजे आई घर, तो उसके बाद शिफ्टिंग हुआ, तो अभी रात हो चुका है। अब मैं नहा धो आती हूँ, पूरा साफ सफाई करके फिर मैं नहा दी हूँ, और आप देख सकते हैं थकान हो गया है। तो ये देखिए अभी शिफ्टिंग हो ही रहा है, अभी देखिए सब तरफ सामान ही फैले हुए हैं। ये देखिए हॉल है, कितना बड़ा हॉल है आप देख सकते हैं, फ्रिज वगैरह लगाया, पेटी पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अभी न्यू घर है, फ्लैट है ये। तो बस आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, अभी स्वीट्स ला करके यहाँ पे रखे हैं, हस्बैंड मेरे लेकर के आए हैं स्वीट्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये बालूशाही, और इसमें भी कुछ है, इसमें क्या है देखिए, गुलाब जामुन है, मैं खोलूँगी अच्छा से, अभी लाए हैं, देख कितना बड़ा घर है ये,
मैक्स भी बैठा है, अभी तो सीट ठीक ही है। तो बस मैं सब कुछ करके नहा के मैं आ गई थी खाना बनाने का व्यवस्था करने। कुछ भी सामान किचन के मैं अलग रख ली थी और मैं उसे अरेंज करके खाना बनाने आ गई हूँ। और यहाँ पे बहुत रात हो गया है और हस्बैंड जो है सो बोले कि अब सब जितना हो चुका, अब जो सामने से क्लीनिंग है थोड़ा बहुत कर दे रहे। वैसे तो ये कुछ करते नहीं है ये सब चीज़, लेकिन घर का शिफ्टिंग है तो कौन करेगा। मैं तो रात हो चुका 10-11 बज गया, मैं खाना बना रही हूँ अभी। और यहाँ पे हस्बैंड जो है थोड़ा बहुत हॉल वगैरह साफ कर लेंगे क्योंकि खाना खाना है। तो बस यही मैं खाना जल्दीबाजी में बनाई, भुजिया पूड़ी और ये सेवई, ये बहुत जल्दी में बन जाता है। इसीलिए तो आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।